झारखंड के लातेहार से इस वक्त इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली। अफवाह के बाद यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ के बाद मालगाड़ी की चपेट में कुछ यात्री आ गए हैं। 3 यात्रियों के इस हादसे में मौत की खबर आ रही है। अफवाह के बाद यात्री ट्रेन से उतरे। कुरमाड़ी हेहेगढ़ा स्टेशन के बीच का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि कुमांडी हेहेगढ़ा स्टेशन के बीच में किसी ने यह अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लगी है। इसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई, ट्रेन को रोका गया, यात्री वहां से उतरे, और लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, यह महज एक अफवाह थी। लेकिन कोई बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि इस तरीके और भगदड़ के बाद कुछ यात्री मालगाड़ी की चपेट में भी आ गए। आपको बता दें कि हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर आई है, यानी कि एक अफवाह ने यहां पर 3 यात्रियों की जान ले ली है। दरअसल एक ट्रैक पर यह इंटरसिटी एक्सप्रेस जा रही थी और उसी दौरान इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैलती है। पूरा मामला इस तरह से हुआ, आग लगने की अफवाह फैली, उसके बाद लोगों ने ट्रेन को रोककर तुरंत ट्रेन से भगदड़ मची और लोग उतरने लगे। उसी वक्त बगल वाली ट्रैक पर एक मालगाड़ी आ रही थी और उसकी चपेट में आ गए हैं, जो खबरें मिल रही हैं 3 यात्री चपेट में आए हैं, 3 की मौत हुई है, ये खबर मिल रही है। तो एक अफवाह ने 3 लोगों की जान ले ली है क्योंकि बगल वाली ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी। तो जरा सी अफवाह ने किस तरीके से 3 लोगों की यहां पर जान ले ली है, ये खबर देखते हैं, क्योंकि लातेहार से ये खबर है जहां पर किसी ने ये अफवाह फैला दी कि इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लग गई है। उसके बाद कुछ यात्री वहां पर उतरे ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई आग लगी है। तभी बगल वाले ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही थी जिसकी चपेट में आने से 3 मुसाफिरों के मौत की यहां पर खबर मिल रही है। तो दर्दनाक हादसा लातेहार में हुआ है। यहां पर ये तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ गई हैं, घटनास्थल से ये तस्वीरें हैं। देखिए वहां पर रात का वक्त है और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, बताएं जरा क्या मामला है, किस तरह से इस घटना के बारे में बताया जा रहा है? जी, सबसे अहम चीज है कि रात का समय है और इंटरसिटी एक्सप्रेस जा रही थी, इसी बीच कुछ यात्रियों में ये सूचना मिली थी कि ट्रेन में आग लग गई है, जिसकी भनक लगते ही ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिस कारण से उसी रेल यात्री ट्रेन से उतर रहे थे, इसी बीच विपरीत दिशा से एक मालगाड़ी आ रही थी, उसी से यह हादसा हुआ है। और हालांकि अभी रेल प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास कर रही है और अभी जो तत्काल जो सूचना मिली है, 3 लोगों की मरने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी तक घटनास्थल पर रेल प्रशासन पहुंच रही, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है और संभवतः इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका वही कुमंडी में ही इलाज किया जा रहा है। और संजीव यानी अभी मौत की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। जी, अभी तक प्रशासन ने इसकी मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है जी कि वहां 3 लोगों की जाने गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी रेल प्रशासन वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहा है।